माय गुडनेस, द केरला स्टोरी भाई, आज तो मजा ही आ गया है। आज की कलेक्शंस देखकर मुझे लगता था कि पहले मैंने सोचा था, क्योंकि आज तबीयत थोड़ी सी नासाज है, गला मेरा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने सोचा था शायद मैं आपसे शाम को मिलूंगी, आज सुबह की वीडियो नहीं सोची थी। लेकिन मैंने जैसे ही कलेक्शंस देखी अभी से कुछ देर पहले, मैंने कहा नहीं यार, अब तो बनता है, अब तो 100% बनता है कि मैं आऊं, आपसे बात करूं, आपसे ये धमाकेदार प्रेडिक्शन जो है वो शेयर करूं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी प्रेडिक्शन आ जाएगी आज के दिन। आज है डे नंबर 17 ऑफ द केरला स्टोरी भाई साहब, आज की प्रेडिक्शन सुनकर आपको मजा आने वाला है लिटरली, और सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डे नंबर 16 को भी जो कलेक्शन आई है वो भी बहुत अच्छी आई है, और साथ साथ में टोटल जो है वो कहां जा रहा है, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड सब कुछ अपडेट होकर आ चुका है, और बुक माय शो की बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब भाई। सबसे पहले बात हम करेंगे इस फिनोमिनल परफॉर्मेंस की, जो इस वक्त द केरला स्टोरी दिखा रही है कि बॉस जब जनता होती है ना साथ में, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे यू नो बीट एनीथिंग, चाहे कोई भी बजट कितना भी हो फिल्म का, लेकिन अगर पब्लिक को पसंद आ गई है ना, फिर आपके सामने कोई भी बड़ा चैलेंज जो है वो बड़ा नहीं रहता है। तो डे नंबर 16 का नंबर सुनो पहले। मैंने आपसे कल रात को बात की थी जब आपको बताया था कि यार जो डे नंबर 16 की रात की ऑक्यूपेंसी है वो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर जो है 40% तक जा सकती है, और ये बिल्कुल सही प्रेडिक्शन निकली है। हर बार की तरह मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही आई है। जो ऑक्यूपेंसी थी कल की वो मैं आपको पहले बताती हूँ, फिर मैं आपको नंबर बताऊंगी। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी वॉज 15%, आफ्टरनून 30%, इवनिंग 32% एंड नाइट वॉज 39%, और इसी के साथ शहरों की भी ऑक्यूपेंसी जो थी वो भी अपडेट हुई। हालांकि कोई बहुत सिग्निफिकेंट बड़ा नंबर नहीं आया, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है ये भी अपने आप में। मुंबई में 30% से बढ़कर 34% हो गई, दिल्ली NCR में 27% से बढ़कर 28% हो गई, पुणे 37% से बढ़कर 39% हो गई, बैंगलोर में 29% से बढ़कर 30% हो गई, हैदराबाद 28% से बढ़कर 34%, अहमदाबाद 21% से बढ़कर 27%, सूरत 19 से बढ़कर 25%, जयपुर 21 से बढ़कर 23%, चंडीगढ़ 24% से बढ़कर 27%, भोपाल 16% से बढ़कर 19%, लखनऊ 15% से बढ़कर 16% हो गई, कानपुर 20% से बढ़कर 23% एंड नागपुर 20% से बढ़कर 25% हो गई। इसी के साथ जो भाई टोटल नंबर आया ना डे नंबर 16 का, हमने प्रेडिक्शन की थी 9 करोड़, जिसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि शायद कहीं प्रेडिक्शन ज़्यादा तो नहीं हो गई है, लेकिन इस फिल्म ने प्रेडिक्शन से भी ज़्यादा बड़ा नंबर स्कोर करके दिखा दिया, एंड दैट वॉज 9.15 करोड़ विद अ मैसिव जंप ऑफ 38.64%। दिस इज फिनोमिनल। फ्राइडे को कहाँ फिल्म गिरा मरा सा परफॉर्मेंस दे रही थी, 5 करोड़, 5.5 करोड़, और उसके अगले ही दिन जैसे ही वीकेंड आया बॉस, तो सारी पिक्चर जो है वो चेंज हो गई। और इसी के साथ जो टोटल सो फार इंडिया नेट कलेक्शन है वो कितनी हो गई, 187.47 करोड़ फॉर 16 डेज इंडिया नेट कलेक्शन फॉर द केरला स्टोरी। एंड विद दैट द ग्रॉस नंबर, जस्ट लिसन टू दिस, ये बहुत ही बढ़िया नंबर आया है। 16 डेज इंडिया ग्रॉस नंबर फॉर द केरला स्टोरी इज 221.20 करोड़। जी हाँ, और इसी के साथ ओवरसीज कलेक्शंस ऑफ ऑल दो 16 डेज जो मतलब 12 मई से जो रिलीज हुई थी, कितने 16 डेज नहीं है, कुछ एक हफ्ता लगा लो, 7 करोड़ एडिशनल, ओके। एंड विद दैट द वर्ल्ड वाइड कलेक्शन फॉर द केरला स्टोरी इज अ मैसिव 228 करोड़। ओ माई गुडनेस, इज इन दैट अमेजिंग भाई, 228 करोड़ है जो अभी तक वर्ल्ड वाइड नंबर आ रहा है। फिर तो इसके हिसाब से मुझे लगता है 250 करोड़ कहीं नहीं गया, बहुत आराम से 250 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ये इस हफ्ते में करके दिखा सकती है, पूरा दमखम रखती है। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जनता ने इसको पसंद किया है, जनता ने इसको बहुत प्यार दिया है, और जनता ही है इस वक्त जो ओवरसीज में भी इस फिल्म को हाउसफुल्स दिखा रही है, ठीक है। तो इसी के साथ डे नंबर 17 पर आते हैं। बॉस इसने मुझे हैरान करके रख दिया, डे नंबर 17 ने लिटरली, मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि अपनी तबीयत के चलते मैं आज इस वक्त आपसे वीडियो शेयर करूंगी, लेकिन जब मैंने ये नंबर देखा मुझसे रुका ही नहीं गया, मैंने कहा यार ये तो करना है, बस करना है, ठीक है। सो डे नंबर 17 का आप जरा नंबर सुनिए, उससे पहले मैं आपको एक रियल टाइम नंबर बताती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको नंबर बताऊंगी। रियल टाइम नंबर फॉर डे नंबर 17 एज ऑन अभी बज रहे हैं 1:15 दिन के, ठीक है, सो ये लगा लो 1 बजे का नंबर है, इज 4 करोड़ 2,36,053, एंड विद दैट
द नंबर ऑफ फुटफॉल एज ऑफ नाउ इज 2,01,026, नंबर ऑफ शोज आर 7,332 एंड द ऑक्यूपेंसी इज 13-14%. ये अभी मॉर्निंग का आया है, ठीक है, ये भी मॉर्निंग की बात चल रही है. इसी के साथ डे नंबर 17 की मैसिव प्रिडिक्शन ऑफ डे नंबर 17, द केरला स्टोरी इज अ मैसिव 12 crores इंडिया नेट कलेक्शन. ओके, ये प्रिडिक्शन है और अगर ये आ जाती है आज तो जरा टोटल सुन लो, इंडिया नेट टोटल जो है वो पहुंच जाएगा 199 crores, सिर्फ 1 crore दूर पूरे 200 करोड़ से. मैंने आपसे कहा था इस हफ्ते, आज या कल, मतलब संडे को या मंडे तक ये जो फिल्म है ये 200 करोड़ तक पहुंच जाएगी. और देखिए, मैंने आपसे कल कहा था वैसे कल की वीडियो में, हो सकता है एक जो संडे है संडे में पॉसिबल ना हो, लेकिन बॉस हर चीज़ को ना, हर चीज़ को बस्ट कर रही है ये फिल्म, हर मिथ को, हर स्टीरियोटाइप को, हर डाउट को, कि आपके मन में कोई डाउट, कोई संशय नहीं रह जाएगा किसी चीज़ को लेकर, इस फिल्म को लेकर. सो दिस इज़ फिनोमिनल, दिस इज़ फिनोमिनल. दिस नंबर ऑन डे नंबर 17, डे नंबर 17 तक ना बड़ी बड़ी फिल्में डाउन आनी शुरू हो जाती है. मैंने आपको पहले भी कई सारे वीडियोस में कहा था कि डे नंबर 17 तक कई सारी फिल्में जो हैं वो डाउन आनी स्टार्ट हो जाती हैं. और इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने फेवरेट सेगमेंट बुक माई शो. भैया बुक माई शो आज खोलना ही मत, क्योंकि आज आपको टिकट नहीं मिलेगी द केरला स्टोरी की. जी हाँ, ये अपने आप में सच है कि आप द केरला स्टोरी की टिकट्स नहीं ले पाएंगे आज, क्योंकि जहाँ पर भी जाओगे हाउसफुल फिलिंग फास्ट की कहानी आपको सुनने को मिलने वाली है. तो बुक माई शो पर अगर मैं छोटा सा एक राउंड अप कर लूँ मुंबई, दिल्ली और पुणे का, क्योंकि यही मेन जो सिटीज़ हम कवर करते हैं, तो मुंबई में सिनेपोलिस नवी मुंबई हो, पीवीआर पनवेल, आइनॉक्स वाशी, आइनॉक्स कल्याण, आइनॉक्स थाने, मिराज सिनेमास अंबरनाथ, आइनॉक्स वर्ली, सिनेपोलिस थाने, SM5 कल्याण, मूवी टाइम गोरेगांव, विरार, गोल्ड सिनेमा, बोरीवली, बी इट एनीवेयर, यू कैन नॉट फाइंड द टिकट्स बिकॉज एवरीवेयर इट्स हाउसफुल एंड फिलिंग फास्ट. ओके, दिल्ली NCR आ जाओगे. दिल्ली NCR में आज बहुत बड़ा धमाका है बॉस बुक माई शो पे. ये दिल्ली NCR में मुझे सिर्फ वीकेंड्स में देखने को मिलता है जो अच्छा बड़ा धमाका जिसको हम बोलते हैं. तो दिल्ली NCR में अगर आप जाओगे, PVR Logics नोएडा, सिनेपोलिस स्पाइस मॉल, PVR द्वारका, मुक्ता, A2 सिनेपोलिस साकेत हो, जनक प्लेस हो, PVR प्रोमिनाड बहुत प्रीमियम वाला थिएटर है ये, आइनॉक्स नेहरू प्लेस, सुभाष नगर, PVR विकासपुरी, आइनॉक्स गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, साहिबाबाद, बी इट एनीवेयर, ठीक है. और पुणे की तो बात करना ही मत, पुणे तो वैसे ही हाउसफुल चलता है वीकडेज पर भी, और अब तो वीकेंड्स चल रहे हैं, तो सोचो कि वीकेंड्स पर क्या होने वाला है. खरड़ी, पिंपरी, हड़पसर, चिंचवाड़, कोथरूड, आउंद, सिन्हागढ़ रोड, रहतानी, हिंजावड़ी, अकुर्दी, बीट एनी प्लेस. पुणे में आपको जगह नहीं मिलने की, आप कुछ और देखिए, कहीं और जाइए, अपना संडे किसी और तरीके से यू नो स्पेंड कीजिए. लेकिन द केरला स्टोरी की टिकट्स जो हैं भाई फिलिंग फास्ट हो चुकी हैं, और ये मिलनी अब आज के दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है. सो दिस इज़ एन अमेजिंग नंबर. एंड बॉस अगर ये नंबर आज आ गया, हो सकता है इससे बढ़ के आ जाए. मैं चाहती हूँ 200 करोड़ आज हो ही जाए, क्या कहते हो, है ना. सो 200 करोड़ अगर हो जाता है, इट विल बी अ बम्पर सेलिब्रेशन फॉर द फैंस, फॉर द एग्जिबिटर्स, फॉर एवरीबडी एल्स एंड ऑफ कोर्स द पब्लिक, ठीक है. सो लेट्स वेट एंड वॉच शाम को क्या होता है. मैं आपसे शाम की वीडियो जरूर शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये नंबर देखकर रुका नहीं जाएगा, ठीक है. सो शाम को जरूर बात होगी, शाम के टाइम पे मोस्ट प्रॉब्ली हम 200 करोड़ के नंबर की बात शायद कर रहे हो, ठीक है. सो तब तक स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दी अपडेट्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोर फाइंड.